सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। यार सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं, रोहन और शेरवल हम तीनों जा रहे हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देख लिया था कल रात को, दर्शन तो हमारे हो नहीं पाए थे, तो हमने कहा था सुबह सुबह उठ के हम टाइम पे ही चले जाएंगे। और अभी भी मंदिर में थोड़ी बहुत भीड़ तो है ही, पर हाँ कल जितनी लाइन नहीं लगी थी, पर हाँ अभी भी है। मतलब अच्छा, ये बैक साइड वाला गेट लाइन है भाई पूरी, तो सॉरी जो बैक साइड वाला गेट है उससे पूरी लाइन लगी हुई है। कोई नहीं, टाइम पे पहुंच जाएंगे और दर्शन कर लेंगे आज बाबा बद्री विशाल के। तो मिलते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं। और ये पूरी मार्केट है जो खुल चुकी है, यहाँ पर से आप बाकी सारा सामान ले सकते हो। कल यहाँ पर से हमने सामान भी लिया था। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल सामने। 2 घंटे की लाइन में लगे मशक्कत करते करते, और प्रसाद भी ले लिया था हम लोगों ने पीछे से। देखते अंदर जाने में क्या कितना टाइम और लगेगा। अप्रॉक्स तो आधा घंटे से 1 घंटा लग ही जाएगा, ये भीड़ यहाँ पर भी और अंदर भी बहुत ज़्यादा ही है। हाँ भाई, कितना एक्साइटमेंट लेवल है अंदर जाने का। अरे अंदर जाने का एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? अरे यार, ये तो चोरी करने वाले लोग हैं ना, ये मैं नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये तो चोरी होती है ना, ये यही लोग करते हैं। 100 रुपये की 2 जोड़ी पीछे से मिल रही थी, ले लेते भाई वहाँ से। तो देखो अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और कुछ शॉट्स ले पाते हैं तो ले लेंगे, वरना अंदर वीडियो भी अलाउड तो है नहीं बिल्कुल भी। जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर का वेट कर लो। दर्शन हो चुके हैं हमारे मंदिर के, बद्रीनाथ मंदिर के, और विष्णु भगवान ने हमें अपना आशीर्वाद भी दे ही दिया है। बहुत टाइम लगा यार अंदर जाने में। जैसे आप लोग कल रात को देखा था, कल रात को भी दर्शन नहीं हो पाए थे, पर आज सुबह उठे 5 बजे लाके लाइन में लगे और अब जाके फ्री हुए हैं। 8:30 बज चुके हैं बस। क्या तुम्हें इतनी अच्छी खुशी हो रही है ना, क्या बताऊँ। और यहाँ से हम जा रहे हैं आगे वापस अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमें आगे निकलना है यहाँ से आज माना के लिए, और माना से हमें फिर वापस जाना है। तो निकलते हैं, और जो खुशी है ना तो तुम बता नहीं पा रहे यार, जो कल जो नहीं हो पाई थी ना उस चक्कर में खुशी आज से डबल ही है। चलो यार ट्रैकिंग करके जाना। तो देखो यहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया, वरना वो घूम के आना पड़ता। वहाँ से हम सीधा इधर से होते 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 थे, वहाँ से ट्रैक करके ये चढ़ के इधर आ गए, क्योंकि ये सीढ़ियाँ भी बन रही हैं इसलिए। और यहाँ से सीधा हम पहुँचेंगे अपने रूम के पास, और यार कुछ खाएंगे, खाते पीते। अरे ये तो तेरे लिए, तेरा प्रसाद। आज हम जाने वाले हैं यहाँ से माना, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया की तरफ, और वहाँ जाएंगे थोड़ी देर फोटो खिंचवाएंगे और निकल जाएंगे सीधा वापस आगे के लिए। बैग बांधते और निकलते हैं ऐसे, क्या ज़्यादा लेट नहीं करते, और पहुँचते सीधा माना, क्योंकि आज की राइड ऑलमोस्ट
430 किलोमीटर्स की आज तक की आज हमारी जो राइड है वो होने वाली है। तो लगता तो है नहीं, पॉसिबल तो है नहीं कि पहुंच पाएंगे, पर जहां पर भी हो पाएगा मैक्सिमम जितना तक पहुंच पाएंगे उतना ट्राई करेंगे पहुंचने का। तो एक काम करते हैं, बस सीधा बाइक में मिलते हैं आपको, सीधा बाय। सो निकल चुके हैं माना के लिए, आने वाला है आज में 3 किलोमीटर है मेरा 13। अरे भाई का बैग थोड़ा डामर हो रहा, हाँ यार गलत बना हुआ है, तो कोई नहीं आगे माना रुकेंगे तो भाई का बैग भी ठीक कर लेंगे। और माना है ज़्यादा नहीं, हार्डली हार्डली 3 किलोमीटर दूर है बस। तो इसका जितना भी एरिया है वो सारा आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, और ऊपर एक पास आता है माना पास, और उस पास में जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए आर्मी से, पर अभी पास अपने पास है नहीं, पर एक दिन ज़रूर होगी तो ज़रूर जाएंगे। और वहाँ से बिल्कुल एक्चुअली माना पास जो बिल्कुल ही चाइना बॉर्डर पर ही है। आगे 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 कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, क्या बात, हम पहुंच गए माना। और यहाँ से ऊपर जाता माना पास का रास्ता हो जाता है, ये जाता है माना पास का रास्ता, और यहाँ से जितना भी एरिया है वो सारी आर्मी कंट्रोल करती है। लास्ट इंडियन विलेज, ओ यार कितना खुशी हो रही है। क्या बात, इन हसीन वादियों में माना विलेज के अंदर, क्या बात क्या बात क्या बात। अंजी अंजी कैंदी हुंदी सी क्या दो, अरे कैंदी हुंदी सी क्या बात है, नाच रहे हैं। ओहो गाजियाबाद 527 किलोमीटर बस, 527 किलोमीटर और 300 किलोमीटर यहाँ से ऋषिकेश, जो इन लोगों को जाना है आज, इन लोगों को जाना है ऋषिकेश आज, तो बहुत दुखी के साथ इन लोगों को बाय बाय करना पड़ेगा हमें। अभी नहीं करेंगे यार, पर अभी नहीं करेंगे, पहले तो अभी पहले तो माना विलेज की खूबसूरती देख ले यार, देखो सामने पहाड़ क्या ही लग रहा है। यहाँ से इधर रास्ता जाता है देख लो, ओ वहाँ उधर आई थिंक वहाँ से ऊपर से इधर जो पहाड़ के पीछे घूमते हुए उधर, ये पूरा मतलब पीछे कुछ पहाड़ों के बाद ही होगा हार्डली हार्डली आपका चाइना बॉर्डर यहाँ से, और यहाँ से इधर जितना भी देखोगे ये सारे इंडियन माउंटेन्स हैं। तो बाय बाय करते हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया माना को, क्योंकि हम निकल रहे हैं वापस अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और मैं चलाने वाला हूँ एक्सपल्स 200 अपने भाई शेरविल की, अब वो मैं ही चला रहा है R15। मैं थोड़ा ना राजा महाराजे की फील लेता हूँ चलाते हुए भाई बिल्कुल अलग ही बाइक है, अगर मैंने तो ज़्यादा चला लिया ना तो मेरी जो बैक में ना पेन होना चालू हो जाएगा। एक्चुअली कहना मुझे आदत है अपने स्पोर्ट्स बाइक की हल्का झुक के जाने बैंड होकर चलने में, कोई नहीं कुछ कभी वह दूसरी बाइक स्विच करेंगे तब इसमें भी आदत पड़ जाएगी। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे, वो लोग हैं पीछे फोटो वोटो रील्स वील्स उन लोगों की चल रही है, और हम चल रहे हैं आगे आपके साथ बातें करते हुए। और मौसम तो यार यहाँ का अल्टीमेट ही है, कभी ठंड जा रही है कभी धूप निकल रही है कभी बिल्कुल मौसम ही काला हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, अतरंगी मौसम चल रहा है यहाँ का। तो क्या तेरा क्या मेरा, अच्छा इस टाइम में सब मेरा तेरा है तो भाई यहाँ पर आने लगी है बारिश, और यहाँ पर सब अपने बैग वैग बांध रहे रेनकोट सब पहन लेते हैं, मौसम बरसात आ चुकी है ये तो ना, थोड़ी आगे तक की होने वाली पता है, पर क्या पता और आगे रह जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द निकाल सामान पैक करते हैं निकलते हैं यहाँ से आगे, वो जो आगे धूप है भाई, पर यहाँ पर सामान तो ख़राब होने का फ़ायदा नहीं है, तो मिलते हैं आगे अब सीधा। तो पहुँच गए हम लोग चमोली, सेम उसी रेस्टोरेंट में रुके हैं जहाँ पर परसों हमने रात को रुके थे, स्टे करा था, वही खाना खा रहे हैं क्योंकि
और अच्छा कोई खाने के बारे में कुछ आइडिया था नहीं। मैंने कहा यहाँ पर अच्छा खाना मिलता तो यहीं रुक जाते हैं। और यार थोड़ी ना एक्टिव भी हो गया हल्का कि आज मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। कभी बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है, कभी भाई धूप निकल जा रही है और कभी उमस हो जा रही है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बारिश का भी क्या सीन है क्या सीन नहीं है। और प्लेटें अपनी लग चुकी हैं, यहाँ पर खाने का ऑर्डर भी दे दिया है लोग भाई, हमारा ऑर्डर भी लेके आएगा। तो भाई क्या लेके आया आज ऑर्डर में? ये यहाँ दही है और यहाँ मिक्स वेज और ये सारे बंदे ही देखो। और ये आगे अपनी दाल भी भाई रख दे रख दे रख। अरे वाह भाई मेरे भाई धन्यवाद भाई। तो खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं कि यहाँ पर चालू हो गया। देखो हमेशा की तरह जो काम चलता है चालू हो चुका होगा। तो बस मिलते हैं आप जल्दी बाद में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और यहां से जैसे मैंने आपको बताया था हमारे दोनों भाई जो है महाराष्ट्र वाले रोहन और शर्विल दोनों भाई यहां से अलग होने वाले हैं और जुदा होने वाले हमसे इस राइड के। पर हम लोगों ने प्लान करा है तगड़ी नेक्स्ट राइड करने का। हाँ यार है भाई शर्विल पक्का ना? पक्का। तो देखो कहाँ का होगा वो जो भी होगा बाद में पता चल जाएगा। पर मेरे भाइयों बाय बाय सी यू अगेन। और बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना नॉर्थ में आके? कोई हुए तो बता देना, बंदे बहुत हैं मेरे पास देख लिया जाएगा। एक गुंडा भाई खड़ा हुआ है गुंडा एक। तो यार एक काम करते हैं निकलते, क्यों हमारा भी यहाँ सफ़र आगे का बहुत लंबा है और इन लोगों का भी सफ़र भी बहुत लंबा है। ये लोग यहाँ जाने वाले सीधा ऋषिकेश के लिए, हम लोग जाने वाले हैं उत्तरकाशी के लिए। तो टाइम है अभी 6:30 बज रहे हैं, आराम से 9 बजे तक हम अगर ड्राइव करेंगे तो पहुँच जाएंगे। ये लोग भी हम लोग भी कुछ सेफ साइड पर देते रहते। तो एक काम करते हैं जल्द से जल्द करते हैं भाइयों को अलविदा यहाँ से। और भाई मेमोरीज हम लोग इतनी ज़्यादा कैप्चर करी है ना पूछो मत, कि ये मेमोरीज तो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो एक काम करते हैं यार अब ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा इस टाइम पे। बाय। तो यारो जैसे कि आपने देख ही लिया है ले, दोनों भाई मतलब जाने वाले हैं। दोनों वाले जानेंगे यहाँ से, हम लोग जाएंगे सीधा। हाँ आप लोग यहाँ से दोनों चलो, ऑल द बेस्ट हैं। हाँ बिल्कुल डन भाई, वही बात नहीं तो चलो बाय। चलो भाई सरवेल। तो दोनों भाई गए नीचे से देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश और हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी फिर से गंगोत्री माता के दर्शन करने के लिए। एक बार विंटर में गए थे तो विंटर में तो हो नहीं पाया था, बट इस बार ज़रूर करके आएंगे दर्शन माता के। और ये है रुद्रप्रयाग, यहाँ पर दो नदियों का संगम है। मुझे इतना पता कौन कौन सी है मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बता देना कौन कौन सी दो नदियों का संगम होता है यहाँ पे। और हमारे दोनों भाइयों की जो आईडी है इंस्टाग्राम आईडी वो भी आपके यहाँ पर लिखी आ रही है, आप जाके तो इनको भी फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे भी। और रोहन का यूट्यूब चैनल है उसकी भी नाम मेंशन हो रहा होगा। यार अभी पहुंच चुके हम लोग श्रीनगर और यार ये कितना ही तगड़ा शहर है, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना तगड़ा भी शहर होगा। तुम्हें लगा था श्रीनगर नाम सुना हुआ, हाँ ठीक है मुझे लगा ऐ भी होगा, पर यार ये क्या शहर है, आई थिंक याद सही से पता तो नहीं ये प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ कि नहीं एरिया की। गंगा नाली करके कुछ है कि तो नहीं क्या है पर कुछ अता पता नहीं है। पर भाई जो है पीछे से लेकर यहाँ तक पे क्या फैला पड़ा है भाई, एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे स्टे मारने के लिए।
आज मारते, पर आज यार टाइम नहीं है, अदरवाइज एक दिन स्पेशली यहाँ पर आएंगे और पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, मेरा मन है। तो इसको भी हम अपने चेकलिस्ट में लिख लेते हैं, कभी हम भूले भटके आ जाएं यहाँ पे। पर यार जगह एक नंबर की अमेज जगह है, मैं सही कह रहा हूँ। अभी तक भी जितनी भी जगह पे गया हूँ ना, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, पर ये जो जगह है गंगोत्री के रूट पे, जो श्रीनगर, एक नंबर भाई, एक नंबर।